वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस हमारे दुकान की आज सफाई हो रही है, जो कि आप देख सकते हैं हमारे मसूद भाई जुटे हैं और हम भी लगे हैं इसी में। फर्श की धुलाई हो रही है और अभी देखिए आगे पॉलीथीन लगी है, जो कि मट्टी उट्टी अंदर आती है इसके लिए लगाए हैं। और आप देख सकते हैं बहुत नीचे डस्ट जम गया था, तो हम लोग इसकी सफाई कर रहे हैं और अभी इसको बढ़िया से निरमा उरमा एरिया वरिया लगा के बकायदे बढ़िया एकदम तगड़ा में सफाई करेंगे और उसके बाद पानी मार के बढ़िया से धुलेंगे। तो आप देख सकते हैं जो कि दो बंदे और हैं छोटे छोटे, ये भी बेचारे लगे हैं काम पे और सब दुकान की धुलाई करने के लिए। और आज सफाई होगी, आप लोग देख सकते हैं मसूद भाई कितने खुश हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। बहुत माटी जम गई है देखिए, तो काफ़ी गंदा हो गया था। बहुत दिन से वादा कर रहे थे धुलने के लिए, लेकिन आज मूड बन गया सुबह सुबह, दुकान खोले उसके बाद तुरंत हम लोग जुट गए। तो देखिए दोनों बच्चे पानी लेने जा रहे हैं, देखिए मसूद भाई एरियल। की पैकेट को ओपनिंग कर रहे हैं और इसको देखिए देखिए देख सकते हैं, काफ़ी होशियार बंदा है, बहुत चलाक है। या 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 वही चीज़ ना, जब अपना लगता है तभी दर्द होता है। हाँ अपनी कमाई अपना खुद पता चलता है, बाप की कमाई से तो सब लोग मज़ा करते हैं, जब अपना कमाना पड़ता है तब पता लगता है यार पैसा कैसे आता है, 10 रुपये कमाने में कितनी मेहनत लगती है। वाह रे मसूद भाई गजब आदमी हो यार तुम, जरा सी मुरव्वत नहीं है तुम्हारे अंदर। तो हमारे दोनों छोटे बच्चे जो कि पानी लेके आ गए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे, हमारे साथ लगे हैं और सफाई में। तो आज दुकान काफ़ी बेहतरीन का जी, क्योंकि सफाई बहुत बढ़िया से हो रही है, मन लगा के हमारे मसूद भाई जुटे हैं। देखिए काफ़ी मट्टी उट्टी यार जम गई थी, तो देखने में बहुत बेकार लग रहा था, तो हम सोचे आज धुलाई कर दे बढ़िया से दुकान की। और जो कि तो इसको साफ़ सफाई रखना पड़ता है, जो कि हमारे सारे कस्टमर लोग और आते हैं तो साफ़ सफाई रहती है, उनको भी देखने में अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है, शॉप तो साफ़ रहना ही चाहिए। मज़ा आ रहा है बे? हाँ। अच्छा काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो मन लगा के फटाफट करो क्योंकि अभी नहीं तो कस्टमर आ जाएंगे तो दिक्कत होगी। फटाफट 10-15 मिनट में साफ करिए, देखिए काफ़ी बहुत मज़ा आ रहा है यार। छोटे छोटे बच्चे जब मन से काम करते हैं ना तो उसमें बहुत खुशी मिलती है और बहुत मज़ा आता है उनके साथ में काम करने की। मसूद भाई यार कुछ डायलॉग मार दो यार सब हमारे भाइयों के लिए, यूट्यूब फैमिली वाले के लिए। डायलॉग हमारे यार नहीं है भाई। अरे यार कोई शायरी वायरी बोल दो यार। क्या शायरी बोले? अरे जो बोलते हो हमेशा यार वीडियो में नहीं बोलते हो, तुम चुप हो जाते हो। पॉलीथीन जो कि पन्नी लगी हुई है दरवाजे के सामने, इसको भी धुला जा रहा है और शैम्पू वम्पू लगा के बगा दे। क्या हो गया भाई? अरे यार काम करोगे तो गंदा तो होगा ना, अभी जा दोपहर में नहा लेना बका दे। अरे अब की बार एरियल लगा के नहा लेना यार, मस्त हो जाएगा एकदम। अरे मसूद भाई जब करते हो तो मन लगा के, नहीं तो फिर चूतिया ही बना देते हो। चूतिया बनाने में तो माहिर बहुत हो तुम। हाँ इनका एक्सपीरियंस भाई लोग बहुत तेज, साला चूतिया इतना बना देता है ना, बड़े बड़े को साला चूतिया बना के बेकार कर देता है। चूतिया बनाने में बहुत तेज है, इस काम करने में जब इसका मन नहीं लगता है ना तो चूतिया बनाता है बहुत बुरा, कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, कि चक्कर आ रहा है, पैर कांप रहा है, पता ना क्या क्या चूतिया बना के उसके बाद घर निकल लेता है। उसके बाद जाके वहाँ क्रिकेट टू और वो खेलता है बच्चों के साथ। बाबू पानी लेके आओ तो फटाक से, बच्चों से प्यार से बात करना चाहिए मसूद भाई, तभी मज़ा नहीं आ रहा है, तभी वो काम करते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मसूद भाई हमारे और सफाई में लगे हुए हैं। तो काफी हम लोग को खुशी मिल रही है, दुकान की सफाई हो रही है
चेक कर सकते हैं गाइस। तो गाइस आपको और नज़ारा दिखाते हैं, यह मसूद अजहरी और लाइट भी आ गई है, शायद इन्वर्टर चार्ज होने लगा है। तो गाइस आप चेक करिए, हमारे पास जो कि फेसियल है कई प्रकार के, लोटस है और क्या नाम रेड वाइन है, बहुत सारे हैं। कितना बताएं, बहुत ज़्यादा है, अब एक एक करके बताएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो गाइस आप लोग को अगर फेसियल करवाना हो, शादी हो या कोई भी अवसर हो तो हमको बता सकते हैं आके। तो देखिए दोनों बच्चे पानी लेके आ गए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, अभी इनको कुछ चॉकलेट या बिस्किट नमकीन कुछ इनको नाश्ता कराया जाएगा। लेकिन कहाँ से नाश्ता करेंगे यार, रमज़ान का महीना चल रहा है, सॉरी गलती हो गई भाई। और हम लोग रोजे से भी हैं, कुछ खा नहीं सकते हैं। तो गाइस अभी फिर वीडियो में बने रहिए, अभी और सफाई हो रही है, उसके बाद आगे और दिखाते हैं क्या होगा क्या नहीं। आप लोग चेक कर सकते हैं दुकान का बैकग्राउंड और लोकेशन कितना बढ़िया है। गाइज अपनी वीडियो को हमें एंड करने वाले हैं, तो गाइज अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करना। तो बाय बाय गाइज़।